NMCH में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नालंदा हिलसा का रहने वाले फंटूस नाम का व्यक्ति को गोली लगा था, जहां NMCH अस्पताल में 14 नवंबर गुरुवार को पहुंचा, जहां उस व्यक्ति का अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया। वही इलाज के दौरान उसे व्यक्ति की 15 नवंबर को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वही परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्पताल में आंख निकाल ली गई है। वही परिजनों ने लापरवाही का आरोप ICU में इलाज कर रहे डॉक्टरों पर लगाया, जबकि इस मामले में सूचना मिलते ही आलमगंज थाने के पुलिस दलबल के साथ पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जाता है कि मृत व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है और आंख उसका निकाल दिया गया। अस्पताल के अधीक्षक द्वारा यह भी बात बताया गया कि उस व्यक्ति की आंखें चूहे द्वारा निकाल कर खा लिया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। मामला ये हुआ सर कि हमारा 8 बजे डॉक्टर साहब जवाब दे दिए, आपका लाश मैंने डेट कर दिया, ठीक है संतोष कर लिया, फिर भी बोला कि जो यहाँ प्रक्रिया होता है पोस्टमार्टम करने पड़ेगा या करने पड़ेगा, हम कि ठीक है, तो वहाँ से फिर बोले कि वहाँ अंचल अति में जाइए, वहाँ गए तो बोला कि 10 बज गया, 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। सवेरे 2 बजे के बाद हम लोग सब खून आदमी दिए, जितना लेकर थे 8 गो 10 गो 12 गो सब, जखनी खून मांगता था जखनी देते थे भाई के लिए कि भाई हमारा मर गया है, कम से कम खून देंगे तो कम से कम जिएगा, तो चलते उसका डेट करने के बाद नहीं जाने दिया। हमारा पिताजी है चाचा जी है नहीं ठोकने दिया, हम कहते तो भी संतोष करिए रहिए आराम से। उसके बाद में हम 2 बजे यहाँ 6 बजे आए रूम पर से, जाके देखते हैं तो आँख नहीं है। डॉक्टर के बोले यहाँ पूछे तो बोला डॉक्टर आँख नहीं है कैसे, वहाँ फिर बोला कि जाइए अंदाथी में पता था सारी में, वहाँ भी गए वहाँ बैठेले रह गया, बूढ़े आदमी के समझा रहे उसके बाद आज हमके साथ है सर, 1 मिनट आज हमारे साथ है, अमीर आदमी है तो 10 करोड़ 20 करोड़ लेके दिल्ली या मुंबई जाते हैं, दिल्ली या मुंबई जाते हैं, हम गरीब हैं, 5 कट्ठा खेत भी नहीं है, उसी में कमाते खाते हैं, बाल बच्चे के लाके दे खाते, सरकारी है तो क्या है, 5 रुपया के टिकट काट दिया, 150 रुपया के दावा बाहर चला, वो ये क्या निमित्त है सर। आप लोग कहाँ से आए, किस थाने से? हिल से थाने से आए हैं, चिकसौरा थाना हमको पड़ता है सर, हमारा वासी हुड़ारी गाँव हुआ, हुड़ारी गांव से आए हैं। जो परिचित जो मृतक है उनका क्या नाम है? फंटूस कुमार नाम है सर। आप कौन लगते हैं? भाई उनको लगते हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम नवलेश प्रसाद हुआ। कल शाम NMCH में एक पेशेंट जो कि नालंदा से रेफर किए गए थे, नालंदा में एक गोली कांड में उनको गोली लगी थी, उनकी मृत्यु हो गई है जाँच के क्रम में। आज सुबह ये बात प्रकाश में आई है कि उनकी जो बॉडी है उसमें से उनकी एक आँख जो है वो मिसिंग है, और इसी क्रम में वहाँ पर थाने की टीम पहुँची है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो है लोगों से बातचीत की गई है, अस्पताल की तरफ से एक विशेषज्ञों का दल बनाया गया है जो कि इस बिंदु पे जांच करेगा कि ये घटना किस तरह से कारित की गई है। अभी के लिए उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरवर्ड किया गया है, और भी कोई बात प्रकाश में आएगी तो विधिपूर्वक सूचना दी जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो। जो भी इंसिडेंट है उसके ऊपर एक प्रॉपर मेडिकल टीम का गठन किया गया है, और उसके रिपोर्ट के ही आधार पर कोई भी डिसीजन लेना कारगर होगा। एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, प्रॉपर एक्सपर्ट टीम ओपिनियन दिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, अभी तक कोई उल्लेखनीय बात स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, लेकिन हम सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष हम देना बहुत अर्ली होगा। फंटूस कुमार जो 24 वर्षीय व्यक्ति थे जिनको कि गोली लग के इंजर्ड होके आए थे, उनकी मृत्यु 8:55 में कल शाम में हुई है, और आज सवेरे 5 बजे देखा गया कि उनका जो बाएं आँख है वो मिसिंग है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने कई लेवल से इंक्वायरी शुरू किया है, विभागीय जांच भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमारे 4 वरीय चिकित्सक जो हैं वो उसका
जांच करके निर्धारित करेंगे कि कैसे मिस हुआ। दूसरा है कि पुलिस के द्वारा वो भी जांच की जा रही है, हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और फिर पोस्टमार्टम भी उनका होगा। तो आँख क्यों गायब है इसका जो कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि आँख जो निकाल दिया गया इसकी संभावना बहुत कम है, कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं। उसको तो पेट में गोली लगी थी। हाँ, उसको पेट में गोली लगी थी और पेट के वही तो बता रहे हैं कि आँख निकाल लिया गया या आँख चूहा कुतर गया या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ आँख में, तो इसके कारण का निर्धारण जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस कारण से उसकी बाएं आँख जो है वो मिसिंग है। क्या बातें लग रही है सर, चूहा का मामला जो आ रहा है उसमें? वो तो हमने बताया ना कि इसके कारण का निर्धारण बिना जांच के नहीं संभव है, बिना पोस्टमार्टम के नहीं पता चलेगा, है ना। और ऐसा लगता नहीं है कि आँख निकाल के क्या किया जाए, 8:55 में उसका डेथ हुआ है, 1 बजे तक उसकी आँख ऑलरेडी थी जैसे उनके परिजनों ने बताया है। तो मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही उस आँख का कोई काम हो सकता है, तो कारण के लिए हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं अपने लेवल से भी और अस्पताल के वरीय चिकित्सकों द्वारा इसका भी खोजबीन किया जा रहा है कि क्या हो सकता है संभावना, और हम लोग हर लेवल से उसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस भी अपने लेवल से जांच कर रही है, हम लोगों ने FIR कर दिया है। और उस रूम में ऑलरेडी 2 और मरीज भर्ती थे जिनके परिजन भी वहाँ बैठे थे, तो उन लोगों से भी बातचीत हुई तो आँख निकालने की बात नहीं आई क्योंकि उनके परिजन नहीं थे, लेकिन अन्य 2 मरीज जो उस रूम में भर्ती थे उनके परिजन और मरीज वहाँ थे, तो उनके द्वारा भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो आँख निकालने वाली बात तो सरासर गलत लगता है, अगर ऐसा होता तो उनके जो अन्य जो 2 मरीज हैं वो बताते या उनके परिजन बताते, तो फिर हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं आगे क्या निष्कर्ष निकलता है।